बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम खिचड़ा बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। खिचड़ा बनाने के लिए हमें ये सब चीजें चाहिए। यहाँ पर 500 ग्राम गेहूँ लिए हैं, उसको हमने 2 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया था। 2 घंटे हो गए, गेहूँ भीग गए हैं। अब हम इस गेहूँ को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पहले खिचड़े की गेहूँ तैयार कर लेंगे। आप अपने घर पर भी खिचड़े के गेहूँ इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। मिक्सर ग्राइंडर में डालकर उसे थोड़ा दरदरा कूट कर ले लेना है। अब हम इसको कूट कर ले लेते हैं। जार में डालकर हमने गेहूँ को दरदरा कूट लिया है। हमें ज़्यादा पाउडर नहीं बनाना है, हमें इसको फैन में रख कर फैला कर सुखा लेना है। हमने जो यहाँ पर गेहूँ को मिक्सर में डालकर पीस लिया है, इसे अब हम यहाँ पर कोई भी कपड़ा या आप पेपर लेकर ऐसे इसे फैला दें। आप इसे ऐसे फैलाकर 10 मिनट फैन लगाकर सुखा लें और फिर इसका भूसा और जो गेहूं है वो अलग कर लें। या ऐसे जो भूसा निकलेगा उसे निकालकर गेहूं को और भूसे को अलग करके ले लेना है और उससे आप खिचड़ा बनाएंगे तो बहुत लजीज खिचड़ा बनेगा। हमने खिचड़े के गेहूं को सूखने के लिए डाला था, वो सूख गए हैं। अगर आपको ज़्यादा खिचड़ा बनाना हो तो आप एक दिन पहले ही उसे धूप में या फिर फैन में सुखाकर पछोड़ कर ऐसा भूसा अलग निकाल लें। हमने यहाँ पर भूसे को अलग कर लिया है। अगर आप उसे फटकेंगे तो वो भूसा अलग हो जाएगा। इस गेहूं से ऐसे भूसे को अलग करके निकाल लेना है और इसे फेंक देना है। और ये गेहूं को अब हम खिचड़े के लिए इस्तेमाल करेंगे। मार्केट से हमें ये गेहूं मिल जाते हैं पर बहुत जगह ये मिलते नहीं हैं, इसलिए आप घर पे भी इस तरीके से गेहूं को मिक्सर में घुमाकर पीस लें और इसका छिलका अलग करके निकाल लें और ये गेहूं इस खिचड़े के लिए इस्तेमाल करें। मेरी एक व्यूवर्स हैं फिरदौस, उन्होंने मुझे फरमाइश की थी कि आप घर के गेहूं से खिचड़े के गेहूं किस तरीके से बनाकर तैयार करती हैं वो मुझे बताएं, वो मुझे सिखाएं। तो मैंने फिरदौस की फरमाइश पर ये घर पर खिचड़े के गेहूं बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब इसी से हम खिचड़ा बनाकर तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 2 गिलास गेहूं लिए हैं। अब हम इसके साथ कुछ दालों का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने 4 कप मसूर की दाल ली है, मूंग की दाल 1/4 कप, तुअर की दाल 1/4 कप, 1/4 कप हमने यहाँ पर चने की दाल ली है, हमने 1/4 कप चावल का लिया है। अगर आपके पास ये कप ना हो तो आप कोई भी कटोरी या कप से गिनकर डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इन सबको बॉईल करके ले लेते हैं। हमें इसे खिचड़े के गेहूं को बॉईल करके ले लेना है। अब हम कुकर में गेहूं डाल देते हैं। हम ये दालों को धोकर ले लेते हैं। अब हम ये कुकर में धोई हुई दाल और चावल डाल देते हैं। 1 टेबल स्पून नमक हमें इसमें डालना है और 1 टेबल स्पून हल्दी इसमें डाल देते हैं। अब हम इसमें 1 गिलास से पानी डाल देते हैं। हमने यहाँ पर 1 गिलास से 6 गिलास पानी डाला है और अब हम इसको मिक्स करके ले लेते हैं। और अब हम कुकर की लिड को बंद कर देते हैं। कुकर को गैस पर रखकर फुल फ्लेम पर एक प्रेशर आने के बाद गैस को लो फ्लेम पर रखकर 10 से 15 मिनट तक खिचड़े के गेहूं और दालों को गला लेना है। तो मिलते हैं 10 से 15 मिनट के बाद। यहाँ पर गेहूं और दाल गल गए हैं, अब हम इसका खिचड़ा तैयार करेंगे। यहाँ पर हमने 9 टमाटे लिए हैं, उसको धोकर रफली कट कर लिया है। यहाँ पर हमने बॉयल मटन लिया है। बॉयल मटन की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। हरा धनिया कट किया हुआ, गरम मसाला पाउडर 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून हल्दी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
ये फ्राई अनियन है, इसको हमने फ्राई करके ले लिया है। हमने यहाँ पर कुछ हरी मिर्च, यहाँ पर एक पतीला लिया है, उसमें तेल डाल देंगे हम। इसमें थोड़ा सा फ्राई ऑनियन डाल देते हैं, और मैं अदरक लहसुन बताना भूल गई थी, यहाँ पर एक चम्मच भरकर अदरक लहसुन डाल देना है। अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं। अब ये टमाटर डालने के बाद ये सारे मसाले हम इसमें डाल देते हैं, ये हरी मिर्च इसमें डाल देते हैं, ये हरा धनिया हम इसमें ऐड कर लेते हैं, हमें इसे फुल फ्लेम पर रखकर टमाटरों को और हरी मिर्चों को मसालों को भून लेना है। यहाँ पर हमें ऐसे भूनते हुए इसे पका लेना है। अगर आप ऐसे भूनते हुए खिचड़ा बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनेगा, मज़ेदार होगा। माशाल्लाह मसाले तो अच्छे से भून रहे हैं। जैसे ये मसाले थोड़े से भून जाते हैं, अब हम इसमें नींबू का रस डाल देते हैं। इसे और 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही भून लेना है। अब हम इसमें ये मटन डाल देते हैं, हमने बॉइल्ड मटन इसमें डाल दिया है, हमें इसे अच्छे से भूनना है। भूनने लग जाए इसमें हम ये खिचड़ा डाल देते हैं। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने यहाँ पर गला हुआ खिचड़ा डाल दिया है इस पतीले के अंदर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके ले लेना है। जिस कुकर में हमने गेहूं और दालें गलाई थी, उसमें हम 1 गिलास पानी डालकर उसको साफ करके ये भी इसमें डाल देते हैं। ने इसमें पानी डाल दिया है, अब हम इसको मिक्स करके ले लेते हैं। इस स्टेज पर आप उसे चक्कर देखें, अगर आपको ये फीका लगा तो आप नमक मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा तीखा हो जाए तो बच्चे नहीं खाते हैं, इसलिए हमने इसमें नमक मिर्च कम रखी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें कम है तो आप डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर 1 नींबू का इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि हम जब उसे खाते हैं तो ऊपर से नींबू निचोड़ कर खा लेते हैं। अब हम इसे ढक कर लो फ्लेम पर कर देते हैं 5 मिनट के लिए। मिलते हैं 5 मिनट के बाद। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम ये प्लेट निकाल लेते हैं और इसे फुल फ्लेम पर करके पका लेते हैं। जब हम फुल फ्लेम पर कर देंगे तो हमें ऐसे ही चम्मच को चलाते हुए उसे पका लेना है। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी फ्राई ऑनियन इसमें डाल देते हैं। और इसको पका कर ले लेते हैं, नीचे से चिपकना नहीं चाहिए। अब ये खिचड़ा जैसे पकने लगता है, इसे मीडियम फ्लेम पर रखकर इसके ऊपर प्लेट लगा लेते हैं और 5 मिनट के लिए ऐसे ही इसे पकने के लिए रख देते। तो लीजिए, 5 मिनट हो गए हैं, यहाँ पर खिचड़ा बनकर तैयार हो गया है। ये मटन खिचड़ा है, आप इस रेसिपी को ज़रूर 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 ट्राई करें और कमेंट में बताएं कि यह रेसिपी कैसी बनी है। हमने यहाँ पर जैसे मार्केट में गेहूँ मिलते हैं, अपने गेहूँ से खिचड़े के गेहूँ तैयार करके फिर खिचड़ा बनाया है। तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें मेरे चैनल को। खिचड़ा बनकर तैयार हो गया है, अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं और गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। तो लीजिए, गर्मा गर्म मटन का खिचड़ा बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं, फ्राई ऑनियन इसके ऊपर डाल देते हैं। हमने खिचड़े के ऊपर हरा धनिया और फ्राई ऑनियन डाल दी है, अब हम इसके ऊपर नींबू रख देते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बनकर तैयार हो गया है खिचड़ा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे रेसिपी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।